हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज रोजगार समाचार में बात करेंगे हम लोग कि आपके लिए वैकेंसीज कौन कौन सी है जिसमें फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि गिल्ड मेंटोर की पंजाब पटवारी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर कानगो पुड्डा एग्जाम के संबंधित जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें एंड गवर्नमेंट जॉब के संबंधित आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें तो गिल्ड मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आज की जो हमारी थीम रहती है हमेशा वो रहती है सब पढ़ो आगे बढ़ो। जो आज रोजगार समाचार के अंदर आपके लिए खुशखबरी है कि भेल कंपनी के अंदर जो भेल एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अंदर वैकेंसीज आउट हुई हैं, काफी अच्छी पोस्ट हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो आपके लिए रहेगी 529, यानी 529 टोटल 529 पोस्ट हैं। और आजकल जैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि मैं बताऊं कि स्पेशल तौर पर जो ट्रेडमार्क के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने आईटीआई वगैरह कर रखी होती है या डिप्लोमा कर रखा होता है स्पेशल तौर पर, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। एंड सैलरी की बात करें तो मैं आपको सारी के सारी डिटेल इसमें बताऊंगा। जो आपके फॉर्म भरने जाने हैं वो 28 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, ये सॉरी माफ कीजिए 29 अगस्त से शुरू हैं। वैसे आपको खैर नोटिफिकेशन मिल गया होगा पर फिर भी नहीं मिला तो अपने ख्याल में रख लें क्योंकि लगभग 8 से 10 दिन तक इसके फॉर्म शुरू नहीं हुए थे लेकिन आफ्टर दैट इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है जो 13/9 तक है तो आपके पास लगभग यानी 1 से 2 दिन बचे हुए हैं तो इसमें फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद की बात करते हैं कि जो पब्लिक जो आपको फॉर्म भरने के बाद में वहां से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो 7/9 से किया जाएगा, यानी लगभग यानी 17 सितंबर को आपकी शॉर्टलिस्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और एक्सपेक्टेड जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा वो कितने तारीख को होगा, 24 सितंबर को होगा, यानी इसी सितंबर मंथ की 24 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद में ऑनवर्ड द पब्लिक जो आपको एक फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट होगी वो 9 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी और उसके बाद में आपका टेंटेटिव ज्वाइनिंग डेट होगी वो कितनी होगी, 15/10 को होगी। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ध्यान रखना है कि आपको एज क्राइटेरिया, इसमें एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से मिनिमम मैक्सिमम है वो 27 साल तक है। और लेकिन इसमें ये ध्यान रखना जो कैटेगरी से संबंधित आते हैं स्टूडेंट उनको स्पेशल तौर पर वैसे का वैसा ही उनको रिजर्वेशन मिलेगा, 5 साल का मिलेगा एससी एसटी से बिलोंग करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का मिलेगा और जनरल को कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है एज यूजुअल आपको पता है। अब इसमें फॉर्म कौन कौन से भर सकते हैं, लगभग काफी बच्चों को नहीं पता इसके बारे में भी कैसे फॉर्म भरने जाने हैं किस तरह से। आप इसकी ऑफिशियली साइट पर जाएं वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। 210 वैकेंसी है वो किसके लिए है, 10th और आईटीआई की होनी चाहिए, फीटर में है। उसके बाद में वेल्डर की 115 पोस्टें हैं, ये आपको ख्याल रखना है 115 पोस्टें हैं। टर्नर की 28 पोस्टें हैं और जो मशीनिस्ट हैं उसकी 28 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिकल की आपकी 40 पोस्टें हैं तो मोटर व्हीकल की आपकी मोटर व्हीकल से संबंधित जिसके पास ट्रेड है 15 पोस्टें हैं। डीजल मैकेनिकल की 15 पोस्टें हैं और उसके बाद में आ गया मैकेनिकल यानी जिसको हम ड्राफ्ट्समैन कहते हैं उनकी वैकेंसीज कितनी, 15 हैं। प्रोग्राम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यानी 10वीं प्लस आईटी होनी चाहिए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि काफी बच्चों को डाउट होगा कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, तो एक अच्छी पोस्ट है। और इसका जो पे ग्रेड रहेगा, पे ग्रेड वही रहेगा प्यारे बंधुओं मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें 500 से 200 से लेकर कितना रहेगा 20,200 तक, ठीक है, ये आपका पे ग्रेड रहेगा। और 7th पे कमीशन से बात करें तो लगभग आपकी ज्वाइनिंग डेट के बाद में यानी 27,000 पे से ऊपर ही होगी, इससे कम नहीं होगी। इसके अलावा प्लस इसका जितना भी आपको इसका एक्स्ट्रा टीएडीए होगा वो इसमें जाएगा तो लगभग मैं कह दूं कि आपकी 40,000 के आसपास की सैलरी रहेगी पर मंथ की, ठीक है। तो काफी अच्छी आपके लिए एक कहने का मतलब कि मन को तसल्ली देने वाली वैकेंसी है तो इसको फॉर्म भरिए और इसके बारे में आगे क्योंकि इसमें कोई रिटर्न एग्जाम का आपका होगा नहीं, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी, डायरेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट होंगे तो आप जरूर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।